ये भी 2002 का क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन है, हम लेंथी मेथड इंस्टॉल नहीं करेंगे, हमें क्या देना है, जे डबल देना है। अब जे डबल सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम सेविंग। तो टाइम सेविंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, शॉर्टकट मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है ना, हम रूटीन मेथड से सॉल्व करे जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। बच्चों कैसे करना है, देखो यहाँ पे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो करना क्या है कि आप कोई भी एक वैल्यू अल्फा के एज्यूम कर लो जो आप जानते हो, है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अल्फा की यहाँ पे पाई बाई थ्री वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ, समझो अल्फा की वैल्यू पाई बाई थ्री आप एज्यूम कर लो। काफ़ी शॉर्ट मेथड होगा ये, काफ़ी शॉर्ट मेथड। देखो तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि बच्चों कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो ना कॉस पाई थ्री क्या होता है, तो वन बाय टू। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट टू हो जाएगा, आप चेक कर लो। अल्फा के लिए पाई बाई थ्री है तो कॉस पाई बाई थ्री वन बाई टू, सेम। यहाँ पे टेन इनवर्स क्या होने वाला है, तो टेन इनवर्स भी वन अपॉन रूट टू होने वाला है और इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स है। अब वी नो वेरी वेल कि वी नो द फॉर्मूला फॉर ओनली टेन इनवर्स ना, हम कॉट की फॉर्मूला जानते रहिए, तो बट ओबियस है हमें कॉट को टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कॉट को टेन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इट इज वेरी सिंपल, ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स रूट टू माइनस ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन रूट टू इक्वल टू एक्स। अब बेटा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला हमारे पास है ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सी फॉर्मूला है, तो सिंपल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही फॉर्मूला है, एडिशन है तो दो तीन रूल्स आएंगे, बट सब्ट्रैक्शन है तो अच्छा है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास होने वाले। अब यहां पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो सिंपल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई का हम यूज कर सकते हैं बच्चों, इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे आ जाएगा टेन एक्स इक्वल टू, समझ लो ये टेन मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया है, टेन इनवर्स को शिफ्ट कर दिया तो टेन एक्स हो जाएगा, और रूट टू का टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टू। तो टेन एक्स इक्वल टू यहां पर आ जाएगा टू माइनस वन, रूट टू कैंसल, तो यहां पर आ जाएगा वन प्लस वन टू, और जो एलसीएम लिया है ना तो ये रूट टू नीचे आएगा ना, तो ये रूट टू आएगा, राइट। आप चेक कर लो बेटा कि रूट टू, रूट टू क्या होता है टू, तो टू माइनस वन क्या होता है वन, और ये जो रूट टू एलसीएम में होता है वो यहां पे लिख दिया है, और रूट टू कैंसल। तो हमारे पास टेन एक्स की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू रूट टू। चलो मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी है भाई, साइन एक्स। तो वी नो वेरी वेल कि राइट एंगल ट्राइंगल का हम यूज करेंगे ही करेंगे, करेंगे ना, क्योंकि 10 को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो या तो फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है या तो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करना पड़ता है। तो 1 टू रूट टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/3, सही है। तो साइन का वैल्यू 1/3। अब क्या करना है शॉर्ट मेथड में कि अल्फा की जो वैल्यू है हमें यहां पुट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो टेन स्क्वायर पाई बाय सिक्स है ना, अल्फा की वैल्यू मैंने पाई बाय थ्री पुट कर दी, तो पाई बाय थ्री और नीचे टू है तो पाई बाय सिक्स हो जाएगा। अब टेन पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कर लो यार, तो आ जाएगा 1/3 आपका आंसर, ये मैच हो गया, तो ए इज द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हो, बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, मैंने चेक किया हुआ है, राइट, इट इज ए इज द राइट आंसर।